नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई आपकी कार्यकुशलता अपनी चरम सीमा पर होगी। हम इंसान बन के पैदा हुए हैं तो इंसान बन के मरे, ना कि कायर बन के, ये बात याद रखिएगा। और एक इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है उसका दिमाग, दूसरी चीज होती है उसकी मेहनत। वो अपने दिमाग से इस दुनिया पर शासन कर सकता है और वो अपने दिमाग के ही प्रयोग से अपने ऊपर दूसरे से शासन करवा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप शासन करना चाहते हैं कि किसी का गुलाम बनना चाहते हैं। जैसा कि हमारी संस्था के द्वारा यूपी टेट का बैच संचालित किया जा रहा है और जैसे कि किसी एक मूवी में एक सपोर्टिंग रोल एक्टर होते हैं, उसी प्रकार मेयर विषय इतिहास भी आपके सिलेबस के लिए एक सपोर्टिंग रोल वाला ही है, ऐसा आप लोग जानते होंगे। लेकिन कभी कभार किसी मूवी में क्या होता है कि जो सपोर्टिंग रोल करता है वो एक संपूर्ण मूवी में किए गए रोल एक्टर के द्वारा जो रोल होता है उससे ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ठीक, मुद्दा ये है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अगर आपके एग्जाम में फंसती हैं और जरूर फंसेंगी, ये बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, वो जो हमारे दोस्त लोग हमसे पढ़ चुके हैं ये अच्छे से जानते हैं। दो क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आना है, तीन क्वेश्चन आना है या एक भी नहीं आना, ये हमारे लिए मतलब नहीं रखता। मतलब ये रखता है कि हम अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करें, हम अपने चारों खानों को मजबूत रखें ताकि कोई एक भी खाने की वजह से हमें कोई चेक और मेट ना कर पाए। तो अगर मेरी वजह से दो सवाल आपके सही हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो शायद मैं उस सपोर्टिंग एक्टर की तरह बहुत खुश होऊंगा कि मेरी मूवी सफल रही। पर अगर आप नहीं हो सकते हैं तो शायद आप खुद के विलन हैं। यूपी टेट में बहुत लोग एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से रुक जाते हैं, जैसा कि रिजल्ट आता है कॉन्टेक्ट में लोग बताते हैं। तो उनके रुकने की दिक्कत यही होती है कि वो सोचते हैं कि जो कम आना उसे छोड़ दें। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों से अगर दो दो सवाल, आठ सवाल आ गए, अगर आठ सवाल आप कर लिए तो आप अपने प्लस जोन में, और इसमें आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। इतिहास का जनरली जो सबसे कंफ्यूजन पॉइंट है, लोग कहते हैं सर इतिहास का सिलेबस क्या है। इतिहास का सिलेबस ऐसा कोई परफेक्ट चीज नहीं मेंशन है आपके यूपीटेट में, लेकिन वो पेपरों को रीड करने से पता चला है कि उसके जो सवाल पूछता है वो कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, जैसे गांधी युग को। ठीक, गांधी युग की घटनाओं को, बस कब हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था, कब समाप्त हुआ। दूसरी चीज है धार्मिक सुधार आंदोलन को। तीसरी चीज है गवर्नर जनरल और वायसराय को। चौथी चीज है भक्ति आंदोलन। पांचवी चीज है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। छठवीं चीज है मध्यकालीन की महत्वपूर्ण बातें, मतलब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, या क्या कहते हैं महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कुतुब मीनार, अतकरीन का दरवाजा, और प्राचीन भारत से मौर्य उत्तरकाल। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से आपको सवाल बनते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक अच्छे तरीके में और आपको हम आधुनिक से शुरुआत करते हैं। जनरली आज हम जब गांधी युग का डिस्कशन करेंगे, गांधी के जन्म से लेकर गांधी की मृत्यु तक की बातें हम आपको आज से 25 से 30 मिनट की क्लास में संक्षिप्त रूप से आपके सामने हम डिस्क्राइब कर देंगे। और ऐसे नहीं कि हम उसका खाना पूर्ति कर रहे, नहीं, वही चीजें आपको डिस्कस करेंगे और वो चीजों को हम समझाएंगे भी कि ये हुआ क्यों, इसका कारण क्या था, और जो घटनाएं हुई हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, अंत कैसे हुआ, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का वायसराय कौन था, तमाम बातें। तो गांधी युग की शुरुआत इस प्रकार होती है कि गांधी का जन्म कब होता है, 1869 को गुजरात के काठियावाड़ा जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर। ध्यान से सुनिए, पहले थ्योरी सुन लीजिए, उसके बाद बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना देंगे यहीं पर, और हर फ्लो चार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले आप थ्योरी को समझिए थोड़ा सा। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ा जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम उत्तमचंद, ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक है, और दादाजी का नाम उत्तमचंद था, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनको हम बा के नाम से जानते हैं, क्योंकि गुजरात में बड़ी मां को बा कहा जाता है। क्लियर। गांधी की जो पढ़ाई लिखाई हुई वो भारत में हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई ब्रिटेन के द इनर टेम्पल नामक कॉलेज में की, और फिर वहां से ये भारत वापस लौटे और नासिक तथा राजकोट में ये अपनी प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद ये गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने कहां गए, अफ्रीका गए, और नटाल उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में पंजीकृत होने वाले या रजिस्ट्रेशन अपना करवाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, गांधी थे। लेकिन उस समय अफ्रीका में भी क्या था दोस्तों, अंग्रेजों का शासन था।
वहां पर गोरे और काले का बहुत ही ज्यादा मतभेद था, जिसकी वजह से गांधी जी काफी आहत हुए और 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। इन्होंने अपनी सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने जो अपना किया वो अफ्रीका में ही किया। उसके साथ साथ 1903 में या 1905 भी कहीं मिलता है, इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका अफ्रीका में प्रकाशित की और यह पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। सबसे पहले यह पत्रिका तमिल भाषा में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी पूर्ण रूप से भारत लौटे, जिसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया और इस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। इनके भारत आने के पीछे भी कारण यह निकलता है कि 1914 में मतलब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत वाले जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते थे, लेकिन गांधी के कहने पर भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार बने और यही कारण है कि हार्डिंग द्वितीय ने गांधी को कैसरे हिंद जुलू युद्ध की उपाधियों से नवाजा था। और गांधी का भारत में जो सत्याग्रह सबसे पहला हुआ वो था चंपारण सत्याग्रह। गांधी के जन्म से लेकर भारत तक के लौटने की बातों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको यहां बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप मेरे साथ हिस्ट्री हिस्ट्री का नोट सिर्फ एक सिनॉप्सिस के रूप में बनाइएगा, क्योंकि ज्यादा मेहनत, देखिए लोग कहते हैं ना खूब मेहनत करो खूब मेहनत करो, बंजर भूमि पे आप अगर 1000 बार फौड़ा मारेंगे तो शायद फसल उगने के चांस है, लेकिन जब आपको भूमि उपजाऊ मिल रही है तो आप उसमें खेती क्यों नहीं कर रहे। इसी को कहते हैं स्मार्ट चॉइस। आपको हम एक सिनॉप्सिस दे रहे हैं और इसी सिनॉप्सिस से आपको सवाल आ जाएगा तो आप क्यों बहुत ज्यादा लिखने को प्रेफर कर रहे हैं। एग्जाम के समय 4 पेज खोल के देख लीजिएगा, 2 सवाल करके चले आइएगा, इससे ज्यादा छोटा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। चलिए, तो जो हमने अभी एक लेक्चर में आपको बताया किसके बारे में, इस कलर को चेंज कर दिया जाता है, गांधी, ठीक। बढ़िया सा ऐसे ही सिनॉप्सिस बनाना है आपके लिए, मैं थोड़ा सा समय भी लूंगा इसमें और आपको सिर्फ सिनॉप्सिस बनाऊंगा। तो गांधी युग मतलब गांधी का समय, तो इसमें हम किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, पहले गांधी के बारे में, वेरी गुड। जन्म, इनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान मतलब जन्म का स्थान, गुजरात के काठियावाड़ा जिले के पोरबंदर नामक स्थान, ठीक। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिनको बाकी उपाधि मिली थी, और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल रामदास और देवदास, क्लियर। लेकिन खास बात क्या है कि इनके एक पुत्र थे, मतलब इनके मतलब पुत्र की संज्ञा दी गई, जैसे होता है ना लोग कहते हैं यार हमारा इनसे खून का रिश्ता नहीं है लेकिन यार ये मेरे पुत्र से बड़ा है, तो यहीं पर स्टार मार्क लगा के ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे जमनलाल बजाज को, जमनलाल बजाज को गांधी का पांचवा पुत्र कहा गया। किसको, जमनलाल बजाज को
गांधी का पांचवा, ऐसे ही आप भी नोट्स में लिखिएगा, ठीक है। अगली चीज, इनकी जो पढ़ाई हुई थी वकालत की पढ़ाई, गांधी कहां पर हुई थी? द इनर टेंपल कॉलेज में हुई थी। द इनर टेंपल कॉलेज में हुआ था और यह कॉलेज कहां था? लंदन। ठीक, इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस कहां पर किया था? नासिक तथा राजकोट। इतनी बातों को देखिए, चलिए गांधी अफ्रीका ९८९३ में गए। पहला सत्याग्रह इन्होंने अफ्रीका में किया 1894 में। इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था 1903 में। अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित की। और 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत लौटे। जिसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। और हार्डिंग द्वितीय ने गांधी को जुलू युद्ध, ठीक, मतलब आर्मी में भर्ती करने वाला सर्जेंट, और कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक, लिखिए। चल, गांधी के द्वारा भारत में जो सबसे पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक,
चंपारण सत्याग्रह का रीजन क्या था कि चंपारण जो है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं लेकिन आपके लिए जो जरूरी है उतना ही लिखाऊंगा। चंपारण का क्या रीजन था कि चंपारण जो है वो बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित था। यहाँ पर तिनकठिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। तिनकठिया पद्धति कहने का मतलब कि भूमि के 3/20 हिस्से पर क्या करना, नील की खेती करना। तो वहां के एक किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी चंपारण गए और गांधी ने यहां पर अपना सत्याग्रह किया और इनको सफलता प्राप्त हुई। गांधी के द्वारा भारत में किया गया यह सर्वप्रथम सत्याग्रह था और यहीं पर सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था। किस उपाधि से? महात्मा। उसके बाद क्या हुआ कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में। हुआ क्या था कि प्लेग फैला हुआ था। प्लेग जो है वो चूहों के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। तो जब प्लेग फैला था, जो एक प्रकार की महामारी भी है, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों को बोनस दिया जा रहा था, लेकिन जब प्लेग समाप्त हुआ तो बोनस को समाप्त कर दिया गया। पर क्या हुआ कि वहां के मजदूरों की यह मांग थी कि बोनस को कुछ और दिन कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो चुका था। जब विश्व युद्ध समाप्त होता है दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि उन्होंने बोनस को समाप्त कर दिया। वहां के मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। तो मिल मजदूर मालिक अंबालाल सारा भाई की बहन अनुसुईया बेन के कहने पर गांधी अहमदाबाद गए और गांधी ने यहां पर अपना भूख हड़ताल किया, जो कि गांधी के द्वारा किया गया सर्वप्रथम भूख हड़ताल था और गांधी को सफलता प्राप्त हुई। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि गांधी ने किस आंदोलन में अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया, तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसी के बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा भी 1918 में हुआ, जो कि गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह का रीजन क्या था कि ऐसा एक नियम था कि अगर पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम है तो लगान नहीं लिया जाएगा। इसे एग्जांपल समझिएगा कि मान लीजिए कि 2019 में 100 किलो का उत्पादन हुआ, लेकिन 2020 में 20 किलो का उत्पादन हुआ, तो रेशियो निकालेंगे तो 1/5 आता है। तो सरकार को लगान लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन खेड़ा में क्या था कि पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम होने के बाद भी लगान लिया जा रहा था। तो वहां के दो किसान थे मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक के कहने पर गांधी खेड़ा गए और गांधी ने यहां भी सत्याग्रह किया और इनको सफलता प्राप्त हुई। लेकिन याद रखिएगा ये सबसे बड़ी बात कि गांधी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां पर किया था, अफ्रीका में। तो भारत लौटने के बाद एक लगातार जो गांधी के 3 सफल कार्यक्रम हुए वो था चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो अगली हेडिंग लगा लीजिएगा अपने ही नोट्स में, गांधी के द्वारा भारत में आंदोलन। तो उसको 3 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। महत्वपूर्ण बातों को ऐसे लिख दिया जाता है। इसको कंप्लीट कर दें तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, देखिएगा बड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917, 1918, ये भी कब था,
1918, ठीक। रीजन क्या था चंपारण का, हमने आपको बताया कि यहां पर तिनकठिया पद्धति का इस्तेमाल हो रहा था। तिनकठिया पद्धति कहने का मतलब भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती, गांधी का भारत में किया गया सर्वप्रथम सत्याग्रह। भारत में पूछा जाएगा कि गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया, तो आंसर हमेशा अफ्रीका होगा, लेकिन भारत में पहला क्या होगा, चंपारण। और यहीं पर सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि, महात्मा की। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन क्यों हुआ, बोनस की समाप्ति की वजह से। गांधी के द्वारा या गांधी ने अपने जीवन का सर्वप्रथम भूख हड़ताल यही किया। खेड़ा क्या था, कम उपज के बाद लगान लेना, ठीक। गांधी का सत्याग्रह और सफल होना। तो भारत आने के बाद गांधी ने ये 3 मूवमेंट चलाए, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, ठीक। इसको लिख लीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। कम टॉपिक, छोटी छोटी क्लास होगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगला जो मेरा लेक्चर जाएगा उसमें आज के बाद में आपको, इन्होंने सत्याग्रह सभा का गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, असहयोग आंदोलन कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, क्यों स्थगित हुआ, दांडी मार्च और भारत छोड़ो में इनका रोल मैं आपको बताऊंगा, और गोलमेज सम्मेलन अगली क्लास में। आज की क्लास में यही, अगली क्लास में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। अच्छे से पढ़िए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देख के नहीं, अपने लिए सिलेक्शन के लिए पढ़िएगा। और जिंदगी में आपसे बड़ा सफल इंसान कोई नहीं है, बस ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप ही अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं। हम फिर मिलेंगे मुस्कुराते हुए, और आप मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।